देख रही दोस्तों, विजय आता डॉक्टर कवर में बन के तैयार हो गया है। अक्षरधाम मंदिर देख, पकड़ी मोड़ के पास बन के हो गया तैयार। देख लिए दोस्तों ये पंडाल। तो देख लीजिए दोस्तों, रात के समय प्रेम मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। भाई लगा था भाई फिल्म एरिया में हम आ गए भाई, देख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं प्रेम मंदिर और अक्षरधाम मंदिर का पंडाल, जो कि सिवान जिला में बना हुआ है। तो वीडियो में आप बन रहिएगा। दोस्तों देख लीजिए, हम लोग आ गए सिवान के ओवर ब्रिज पे। अब चलेंगे हम लोग सिवान में जहाँ बना है पंडाल। तो देख लीजिए इधर का माहौल, देख रहे हैं, देख लीजिए एकदम माहौल गर्मा गर्म है भाई सिवान जिला का। ये है सिवान जिला का ओवर ब्रिज। तो देख लीजिए दोस्तों, बड़ी मस्जिद के पीछे से कुछ इस तरह का सजावट किया गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो में, ठीक ना भाई। जबरदस्त एकदम, मतलब क्या बता है, बहुत ही फारू सजावट हुआ है भाई, देख रहे हैं भाई। वाह भाई वाह, तो लगा था भाई फिल्म एरिया में हम आ गए भाई, देख रहे हैं। अरे भाई भाई जबरदस्त, मतलब क्या बताए भाई, पहली बार ऐसा सजावट देख रहे हैं, पहली बार इतना, मतलब भाई क्या बताए भाई। ये तो है बड़ी मस्जिद के पीछे का सजावट है भाई, देख लीजिए एकदम आप। और भाई ये देखिए भाई, अरे भाई। तो देख रहे दोस्तों, बड़ी मस्जिद के पीछे का ये पंडाल है, इधर का सजावट देख रहे कितना जबरदस्त है, देख रहे एकदम, मतलब बहुत ही जबरदस्त है। तो भाई देख लीजिए इधर का सजावट भाई, देख रहे भाई कितना जबरदस्त वाला सजावट किया गया है। अरे भाई जबरदस्त, देख रहे दोस्तों ये सजावट है, बहुत ही जबरदस्त सजावट किया गया है, देख रहे हैं इस तरह से सजावट किया गया है पंडाल का, देख रहे हैं। ये अभी ललित बस स्टैंड का मेन गेट है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं प्रेम मंदिर कैसे बना हुआ है, ठीक ना भाई। बहुत ही बढ़िया सजावट किया गया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पंडाल के अंदर, दिखाते हैं आपका पंडाल का माहौल कैसा है, कैसा दिख रहा है पंडाल इस समय, रात का माहौल दिखाते हैं पंडाल का, ठीक है, वीडियो बन रही है। तो देख लीजिए दोस्तों, रात के समय प्रेम मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है भाई, सुपर हिट जबरदस्त, मतलब क्या जबरदस्त दिख रहा है प्रेम मंदिर, देख रहे हैं। और इसमें लगा हुआ है लाइटिंग, कुछ ही देर में लाइटिंग चेंज होगा, कुछ अलग कलर हो जाएगा, कुछ देर के बाद अलग कलर हो जाएगा। देखिए आप, कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख रहे भाई लाइटिंग चेंज हो गया, अभी इसका लाइट देख रहे हैं भाई, उस समय कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। तो देख लीजिए भाई, इधर प्रेम मंदिर में लगा हुआ है भीड़। और ये जो प्रेम मंदिर है ललित बस स्टैंड में बना हुआ है, देख रहे हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त कलर दिख रहा है। बलिष्ठ सिंह के तरफ से 20 रूपए आशीर्वाद भाई, बनावट देख के तो दिमाग हिल जाता है यार, बहुत जबरदस्त बनल बा पंडाल एकदम, देख रहे हैं। देख लीजिए जो बत्ती जल रहा है ना, यही पंडाल का कलर चेंज कर रहा है, देख रहे भाई एक लाइन से हजारों का बत्ती लगा हुआ है भाई। तो भाई बाहर का माहौल आप देखिए, आपको हम लेकर चलते हैं अंदर का, दिखाते हैं कि बनावट कैसा है, अंदर का सजावट कैसा है, अंदर कैसे बना हुआ है। तो चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं दोस्तों। देख लीजिए यहाँ से होगा प्रवेश, यहाँ से अंदर जाने वाला रास्ता है। जय माता दी। और लेडीज का अलग बना हुआ है, जेंट्स का अलग बना हुआ है भाई, देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है भाई। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है प्रेम मंदिर पंडाल के अंदर का माहौल, देख लीजिए यहाँ सजावट कैसे हुआ है भाई, जबरदस्त वाला सजावट किया गया है भाई एकदम, मतलब क्या बताए भाई जबरदस्त, बहुत ही मस्त सजावट हुआ है अंदर का भी। और बाहर का तो भाई एक एवन था, बाहर का सजावट तो भाई भाई मतलब जितना तारीफ करो उतना ही कम था। तो देख लीजिए ये सजावट, देख रहे भाई कुछ इस तरह से प्रेम मंदिर के अंदर का सजावट किया गया है एकदम धासू, मतलब लुक, मतलब बाहर वाला तो लुक भाई बहुत जबरदस्त है, अंदर वाला भी जबरदस्त है एकदम, देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए भीड़ बहुत ही ज्यादा है, काफी है। तो देख लीजिए दोस्तों, विजय आता डॉक्टर कॉलोनी में बन के तैयार हो गया है अक्षरधाम मंदिर, देख रहे हैं कितना जबरदस्त बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम करीब से एकदम। यह जो मंदिर बना है सिवान जिला में डॉक्टर कॉलोनी विजय आता में बना हुआ है, देख लीजिए। तो दोस्तों देख रहे बनावट कितना जबरदस्त है, देख रहे भाई, देख लीजिए ये मतलब सिवान में नंबर वन अक्षरधाम मंदिर बन के हो गया तैयार, देख लीजिए। रहने दो भाई, अपने लाइन से खड़े हो जाए, जो भी दर्शनार्थी लोग उपस्थित होंगे हम चाह रहे हैं कि अपने लाइन से यहाँ पर आप सेम टू सेम, मतलब एकदम सेम टू सेम हूबहू बनाया गया है, अच्छा अपने लाइन से खड़े होकर अपने अपनी सुरक्षा अपने से काम करें, भीड़ न लगने दो वहाँ पे। मेला घूम रहे हो, माहौल कैसा है मेला का, आगे बढ़ाइए वहाँ से सब लोगों को, मजा लो मेला का आप लोग। दोस्तों देख लीजिए कुछ इस तरह से अंदर का बनावट, देख रहे हैं भाई अंदर का, देखिए ऊपर का बनावट कैसा है भाई जबरदस्त, ऊपर भी बनाया गया है भाई, लुक तो बहुत जबरदस्त दिया गया ऊपर का भी। तो देख लीजिए बनावट
तो पकड़ी मोर के पास बन के हो गया तैयार। देख लिए दोस्तों ये पंडाल, देख रहे भाई कलर चेंज कर रहा है भाई, जबरदस्त मतलब बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है दोस्तों। ये हॉस्पिटल रोड के पकड़ी मोर के पास बना हुआ है, देख लीजिए दोस्तों कुछ इस तरह से किया गया है। पीदेवी मोड़ के पास पंडाल का बना हुआ, अरोड़ा मोड़ के पास ही है, तो देख रहे हैं मौली के बथान पीदेवी मोड़ के पास किया गया है सब पंडाल का बना हुआ भाई, देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों पंडाल के गेट के पास कुछ इस तरह से सजावट किया गया है, देख रहे हैं, देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से किया गया है सजावट।